देश भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण तेज कर दिया है। राजधानी दिल्ली में भी जगह जगह टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। इसी फहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में भी MCD के लाला हंसराज अस्पताल में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहाँ 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। तमाम कोरोना नियमों की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यहां पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। इसके बाद सभी मरीजों को आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद ही यहां से मरीजों को छुट्टी दी जा रही है। इस टीकाकरण केंद्र में सप्ताह में 4 दिन लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इस संबंध में रोहिणी निगम जोन उपायुक्त विवेक प्रकाश का कहना है कि अभी शुरुआत में रोजाना करीब 100 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद इस लक्ष्य को और बढ़ाया जाएगा। ये हमारा लाला हंसराज हेल्थ कॉम्प्लेक्स है, उस पॉली क्लिनिक में लोकल लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, जनता के लिए, सुविधाओं के लिए एक ये वैक्सीनेशन सेंटर स्टार्ट किया गया है, ताकि इस महामारी के टाइम पे कोविड से बचाव के लिए लोग अपना यहाँ पे वैक्सीनेशन करवा सकें। अभी फ़िलहाल तो 100 लोगों का टारगेट है, इसको हम रिस्पॉन्स मिलने के बाद में बढ़ाएंगे। अभी तो प्रपोज है कि ये एक नॉर्मल वैक्सीनेशन था, जहाँ बच्चों का ही वैक्सीनेशन होता है, वो होता है बुधवार और शुक्रवार को। तो बुधवार और शुक्रवार वाले दिन यहाँ पे कोविड के वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। वीक में 4 दिन, सोम, मंगल, बृहस्पत और शनिवार, इस दिन वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप रजिस्टर घर से भी कर सकते हो, आप आरोग्य सेतु के द्वारा भी रजिस्टर से कर सकते हो। और यहाँ जिनके साथ जिनका ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ भी हमने फैसिलिटी दी हुई है कि यहाँ आके अपना आधार कार्ड या कोई भी ID प्रूफ लेकर आएँ, तो हम यहाँ भी उनको रजिस्टर कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर वैक्सीन की डोज लेने आए लोगों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। वैक्सीन की डोज लेने आए बुजुर्गों ने भी लोगों से अपील की है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 45 से 60 वर्ष तक के वो व्यक्ति जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो, ऐसे लोग कोरोना के टीका जरूर लगवाएं। वहीं टीका लगवाने वाले लोगों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद किया और लोगों से इस टीका को लगवाने की अपील की। मैं कोरोना का टीका लगवाना है और बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। मुझे कहूँगा भाई बिल्कुल सेफ है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जितना आप लगवाएंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे, तो हमारी सेफ्टी फर्स्ट है। और सबसे बड़ी अपील ये करूँगा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अधिकतर ध्यान रखें। बहरहाल देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अभियान तेजी से शुरू है और राजधानी दिल्ली में जगह जगह केंद्र बनाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। और इसी मकसद से रोहिणी सेक्टर 7 के MCD अस्पताल में भी अब लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV। देश विदेश की ताजा तरीन खबरें अपने मोबाइल में पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और देखते रहें हम वतन TV, खबर से खबर तक।